हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ एकदम नया नाश्ता, जिसके लिए आपको यहाँ पे लेना है 2 बड़े चम्मच सूजी, और इसमें डालेंगे हम 1/2 कप दही, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे सूजी को फुलाना है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसको डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए ढककर साइड में, जिससे कि सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो यहाँ पे इसे रखे हुए 8 मिनट हो चुका है और सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल चुकी है। यहाँ पे मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये देखिए। अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। तो यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया है। आटा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे आपको इसमें एक साथ में पानी नहीं डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है, और यहाँ पे इसका आपको हल्का सा गाढ़ा बैटर बना के रेडी करना है। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी में आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, इतना गाढ़ा आपको यहाँ पे बैटर बनाना है। तो यहाँ पे बैटर बन के हो चुका है रेडी। अब हम इसमें डालेंगे कुछ वेजीज। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का प्याज, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। तो यहाँ पे शिमला मिर्च 1 कप के करीब मैंने ली है। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, साथ में खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे हम इसमें खड़ा जीरा, और जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज का कच्चा आलू, जिसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर अच्छे कलर के लिए, और अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। हमने यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे हम लाल मिर्च कम डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसे स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे मैगी मसाला डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ डालेंगे हम इसमें हरा धनिया, और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बैटर अगर ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, और अगर बैटर जो है हल्का सा पतला लग रहा है तो आप यहाँ पे हल्का सा आटा और मिला सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे बैटर बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करने के लिए आपको यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल लेना है। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, और एक कलछी आपको यहाँ पे बैटर बीच में डाल देना है, और उसके बाद आपको दूसरी कलछी, छोटी कलछी लेकर आपको यहाँ पे, या फिर स्पून लेके इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डालना है, जिससे कि ऊपर से भी हल्का सा सेट हो जाएगा, सिकना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ये नीचे से सिक चुका है, अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नाश्ता है कितना फूला फूला सा बना है, और आप ऊपर के टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो दोनों तरफ से ये नाश्ता फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है, बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे एक बैच हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे साइड में लाकर। आप इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें, उसके बाद आप इसे प्लेट में निकालें, और इस तरह से हम यहाँ पे एक और नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में इसके डालना है बैटर को, और इसके ऊपर से इस तरह से स्पून से ऑयल डालते रहें। और अब हम यहाँ पे इसकी साइड को कर देंगे चेंज, और दूसरे साइड से भी हम इसे क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फूल गया है, क्रिस्पी गोल्डन हो गया है दोनों साइड से। अब हम इसे ऑयल से निकालेंगे, और ऑयल से निकालने के बाद हम इसको करेंगे गर्मा गर्म सर्व। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व किया है टमाटो केचप के साथ में, और आप यहाँ पे नाश्ता देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। इसका कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सब्जियों में प्याज और शिमला मिर्च ऐड की थी, आप यहाँ पे गाजर डाल सकते हैं, या फिर ब्रोकली ग्रेट करके साथ डाल सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे सब्जियाँ पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, और यह नाश्ता बना के आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। गेहूँ के आटे का होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।